अल्फा का एनकाउंटर हुआ है, किस तरह से चल रहा है? मेरे साथ इंस्पेक्टर के पुलिस अधीक्षक है, क्या कहेंगे सर, किस तरह क्या घटना हुई है पैंगरी में? हमको कल एक इनपुट मिला था कि अल्फा का एक ग्रुप जो पैंगरी फॉरेस्ट है, जिसको अपर डिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, वहाँ पे है, और कुछ स्थानीय लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं, तो ये लोगों को आइडेंटिफाई करके पुलिस और आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इनको आइडेंटिफाई करके अप्रेहेंड कर लिया, जो लिंक मैन हेल्प कर रहे थे, और आइडेंटिफाई करने अप्रेहेंड करने के बाद इन लोगों ने कन्फेस कर लिया कि हम लोग उल्फा की हेल्प कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी तथ्य हमको बताया कि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने उल्फा के लिए अंदर जाके खाना बनाया है, और उसमें से एक जो इनका लीडर है, इसने हमको बोला कि वो जगह वो दिखाएगा और उसी जगह के आसपास उल्फा का शेल्टरिंग हो सकता है, वो भी पॉइंट वो हमको जाके एरिया आइडेंटिफाई करा देगा। तो आज सुबह अराउंड 4 AM हमारा टीम वहाँ पे अंदर चला गया पुलिस का, अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO एंड लोकल OC। अंदर जाने के बाद जो एरिया में वो लीड करके गया, उस एरिया में जाने के बाद अचानक से पुलिस के ऊपर फॉरेस्ट एरिया के अंदर से फायरिंग आना स्टार्ट हो गया। फायरिंग आने के बाद पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया, और ये ज़्यादा देर नहीं चला, हार्डली कुछ 30-40 सेकंड के लिए उनकी तरफ से, मतलब जो सस्पेक्टेड इंसर्जेंट थे, सस्पेक्टेड उल्फा कैडर थे, उनकी तरफ से फायरिंग आया। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग किया, और फायरिंग स्टॉप होने के बाद मतलब ये कंक्लूजन हमको मिला कि कुछ कैडर है वहाँ पे जिन्होंने फायरिंग किया, वो वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा लेके और फॉरेस्ट का, सिख कॉलेज का फ़ायदा लेके वहाँ से भाग गया है। उसके बाद इमीडिएटली हमने एरिया सर्च किया, और उसमें कुछ हमको वहाँ पे सस्पेक्टेड एक्सप्लोजिव मिले, कुछ पाउडर मिला वहाँ पे, कुछ वायर मिला, डिटोनेटर मिला, और ग्रेनेड मिला है, तो अभी वो किस क्वालिटी का ग्रेनेड है क्या है, हम इसको चेक कर रहे हैं। और उस उधर हमको खाना बनाया वो भी मिला, जो रिसेंटली खाना बनाया है, और प्लस वहाँ पे हमको जला हुआ लकड़ी वगैरह वहाँ पे मिल गया है। और हमने साथ में जो उल्फा का जिसने हमको लीड किया था उस जगह पे, वो सस्पेक्टेड OGW है, उसको एक स्ट्रे बुलेट हिट किया जो रिकोजिट होके, और उसको इंजरी हो गया है, उसको इमीडिएटली हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, दिगोई का 300 रिफ़र किया गया है। तो अभी हमने आके यहाँ पे देखा है, उसका इज आउट ऑफ डेंजर, इंजरी ये सीरियस नहीं है, उसका डॉक्टर के तरफ से मतलब हमने जो ब्रीफ किया उसके हिसाब से उसका अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। और बाकी जो तथ्य है, ये जो हमने एग्रीमेंट किए OGW बाकी 3 और ये जो इंजरी हो रहा है, उनका और इंट्रोगेशन करने से हमको तथ्य मिलेंगे, जो तथ्य मैं आपको उचित समय पर अवगत करूंगा। और उल्फा का जो ग्रुप है, अभी तो आशंका है कि उसी एरिया में रहेगा, तो पूरा एरिया को हमने सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी, CRPF, पुलिस सबने मिलके उस एरिया को हमने घेर लिया है। सर, कहा जा रहा है कि ये लड़का निरीह है, जो युवक घायल हुआ उसे निरीह कहा जा रहा है, ग्रामीण युवक कहा जा रहा है? नहीं, रहने वाला ग्रामीण इलाका का ही है, जो युवक है उसी एरिया का है, लेकिन डेफिनेट हमारे पास एविडेंसेस हैं कि इसने उल्फा का हेल्प किया है, और उल्फा को हेल्प अभी नहीं, पहले में भी हेल्प किया है, और उन्होंने, उन लोगों ने कन्फेस किया है, और उस जगह पे हमको लीड भी किया है। तो हम उसे अल्फा का लिंकमैन कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं। कितने लोगों का ग्रुप है सर उसमें? ये ग्रुप जो है वो 6-7 लोगों का ग्रुप है। इनको जब हमने पूछा, इन्होंने बोला कि 6-7 लोग है इसके नेतृत्व, तो कुछ उल्फा का किसी के नेतृत्व, उल्फा का कौन नेतृत्व कर रहा है नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन और थोड़ा इनको इंट्रोगेट करने से हमको इसका नाम मिल गया। उनके धन बुआई के मसले से ये आए थे इस अंचल में, ना क्या इनपुट मिला सर, इसलिए जिस तरह से उनका रिकवरी हुआ है हमारे पास, अभी जो एक्सप्लोजिव मिला है, कुछ सामान मिला है, उस तरह से हम अंदेशा लगा सकते हैं कि ये मतलब फाइनेंशियल कुछ एक्सट्रॉशन करने के लिए भी आ सकते हैं, या कुछ इनका करने का इरादा भी हो सकता है। क्या सर फिर से तिनसुकिया को निशाना बनाकर धन उगाही का निशाना, आतंक फैलाकर धन उगाही का निशाना बनाना चाहते हैं? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा अलर्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा अलर्ट है, और हम उल्फा हो या कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी को धोखा पहुँचा रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और तिनसुकिया हो या जो भी है आसाम का एरिया हो, उसमें सिक्योरिटी देने के लिए हम पूरी तरह से 100% प्रतिबद्ध हैं। ये तो तिनसुकिया जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा है, इस तरह से पिंगे में एनकाउंटर की घटना हुई है, और जो युवक को गोली लगी है वो कहीं ना कहीं उल्फा का लिंकमैन कहा जा रहा है, और बहरहाल 3 लोगों को और गोली चोटें आई हैं, उनसे पूछताछ, गहन पूछताछ जारी है, और इस गहन पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा आखिर कितने लोगों की सदस्य वहाँ घुसी थी। फिलहाल ने कहा है जो 6 लोगों की टीम घुसी है, लेकिन क्या कारण से उन्होंने घुसा है, प्रथम कारण उन्होंने बताया है धन उगाही, उसके बाद उन्होंने कहा जो अभी पूछताछ और जारी है, उसके पूछताछ की पूरी तरह जब पूरी हो जाएगी तब जाकर पता चल पाएगा कि आखिर क्यों वो जो उल्फा सदस्य जो टीम थी जो
जो असम पुलिस और जो भारतीय सेना का जो मुठभेड़ हुई उसमें जो एक युवक को गोली भी लगी है और वो युवक को लिंगमैन कहा जाता है और पुलिस के सूत्रों के हवाले से और जिस तरह से और स्थानीय लोगों ने वो ये निर्दोष युवक कहा है, लेकिन जब पूरी जांच सामने आएगी तभी पता चल पाएगा आखिर वो युवक लिंगमैन है या नहीं। इसी के साथ विजय शर्मा।